वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि पीएल अकेडमिक में एडमिशन शुरू या एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे जाकर के चेक करनी होती है सिंपली। तो ये सभी डिटेल्स प्रोसेस इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बना दिया गया है इस चैनल को। तो पीएल अकेडमिक में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी ज़रूरी है। तो आपको अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करके वहाँ पर टाइप करनी होती है जो मैंने टाइप किया हुआ है पीएल अकेडमिक एडमिशन 2022 IAS पेपर, ये टाइप करनी है। टाइप करने के बाद देन आपको सर्च करनी है एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म बोला गया है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म बोला गया है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टेड मतलब चल रहा है। जून साइकिल एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज ऑन 12 अप्रैल 2022। पीएल अकेडमिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंक अमॉन्ग टॉप 25th इंस्टीट्यूट्स बिजनेस फाइनेंशियल गवर्नमेंट्स। ओके, सो ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं जो यहाँ पर ये सभी चीज़ डिटेल्स बताई जाती है। बट आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दी गई है इसी वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो चलिए पहले आगे देखते हैं क्या क्या सारी प्रोसेस है। तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल कर दीजिएगा। इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्ट रेट, कोर्स फिल करनी होती है। इससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेगा। अलग अलग बेस्ट सजेशंस कॉलेजेस के बारे में, ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होती हैं सभी के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट कर दी गई है उसे कहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर बोला गया एडमिशन जून साइकिल वाला, तो यहाँ पर क्लिक करना सिंपली। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करनी है थोड़ी सी, बस यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। बट आप सभी को एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि देश के टॉप 12th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी में हुई है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, VIT EEE यूनिवर्सिटी, MIT WPU यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं इन किसी भी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे एडमिशन ज़रूर आपको लेना चाहिए, ये टॉप 12 इंडिया के टॉप 12 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इनमें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो आपको 100% प्लेसमेंट रेट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाली है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है, जो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सपोज दैट कि ये जो इंस्टीट्यूट्स है सिर्फ इसमें पढ़ाई करने के लिए बच्चे आ रहे हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आसपास के ही बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं आएंगे, काफ़ी दूर दूर के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आएंगे, ठीक है, हमारे देश के सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आएंगे। जो बाहर देश के बच्चे, आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्री के जो बच्चे होते हैं, लड़की लड़कियों के साथ जब भी आप बातें करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है कि आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज एक्सचेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है, जो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, ऐसे आपको अप्लाई करना होता है, यहाँ पर क्लिक करके सिंपली एडमिशन ले लेना होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है पीएल अकेडमिक का, तो क्लिक हियर पे क्लिक करनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको ये रहा फॉर्म, तो पीएल अकेडमिक एप्लीकेशन फॉर्म 2022। तो इंडियन आप हैं या फिर फॉरेन, इंडियन में यहाँ पर बताना है, नेक्स्ट यहाँ पर जेंडर बताना है, मेल या फीमेल, ठीक है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर बताएं, अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर दीजिएगा, एक ईमेल एड्रेस, आईडी, एग्ज़ाम साइकिल 25 जून 2022, कोर्स टाइप टू अप्लाई कौन से, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, स्टडी कैंपस बताएं, बेंगलुरु, अगर आप कौन सी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, वेस्ट, साउथ, जयपुर, मुंबई, कोर्स ऑफ चॉइस बता सकते हैं, 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है मुंबई में, स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं कि कम्युनिकेशंस एंड एंटरटेनमेंट। ओके, एनी स्पेशलाइजेशन ऑप्टेन इन सेमेस्टर सेकंड, फोर ईयर्स का UG प्रोग्राम, कम्युनिकेशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन कम्युनिकेशंस, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हुई है, जो भी आपकी चॉइस होगी। आपका बर्थ ऑफ डेट क्या है वो जो यह होगा वो बता दीजिएगा, सिंपल, कंट्री कौन सी है तो यहाँ पर बताना ही है, स्टेट बतानी होती है, आप कौन से स्टेट से रहते हैं, कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट पे, ठीक है, जिस किसी भी स्टेट में आप होंगे ना यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा और सिटी का नाम सेलेक्ट करना होता है, सिटी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा,
तो जो भी होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको वेट करना होगा ओटीपी के लिए, ओटीपी जैसे आएगा तो यहाँ पर आप एंटर कीजिएगा, ठीक है। मैंने एंटर किया, एंटर करते ही मुझे यहाँ पर दिखा दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म चार्जेस, डायरेक्ट मुझे चार्जेस बता दिया गया। पेमेंट ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, मैं पेटीएम के थ्रू, और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड दैट द फी आई सबमिट विद दिस एप्लीकेशन इज नॉट अ रिफंडेबल फ़ी। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या बताएगा कि रिफंडेबल नहीं है, मतलब आपको बाय चांस नहीं लेना होगा बाद में, तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर श्योर है, करना चाहते हैं तो कीजिएगा। बाकी यहाँ पर ऐसा साफ साफ लिख कर दिया गया है कि रिफंडेबल नहीं है, वापस पैसा नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो डिस्क्लेमर, यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पे नाउ पे, और डिस्क्लेमर पढ़ लेना है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो 1500 रुपीज़ पेमेंट करेंगे तो ही वो कुछ हो पाएगा। यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर पहले, फिर आप EMI या फिर UPI के थ्रू, जैसा भी आप चाहते हैं, यहाँ से आप क्लियरली पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस है सभी बच्चों को, तो डाउट है किसी भी प्रोसेस में डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।